हेलो दोस्तों, यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन से संबंधित मिलता रहे। हमें बात कर रहे हैं सीआईबी का एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट का 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका पार्ट वन है। तो ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स रिप्रेजेंट्स द शेयर इन इंडियन कंपनीज इन इंडिया एंड ट्रेडेड इन अमेरिका यूरोप। बोलता है कौन सा इनमें से जो फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट है वो रिप्रेजेंट करता है शेयर भारतीय कंपनियों में जो कि ट्रेड होता है अमेरिका और यूरोप में। तो क्या है, जीडीआर एडीआर पहला ऑप्शन, दूसरा है आईडीआर एडीआर, तीसरा है जीडीआर आईडीआर जीरो कूपन बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। तो इस केस में जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीडीआर एंड एडीआर। फिर व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्टॉक ऑफ गोल्ड क्वाइंस बुलियन एंड फॉरेन सिक्योरिटीज विच आरबीआई हैज टू मेंटेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगेंस्ट इश्यू ऑफ करेंसी। बोलता है क्या मिनिमम वैल्यू होना चाहिए गोल्ड के स्टॉक का, बुलियन का, फॉरेन सिक्योरिटीज का, जहां पे आरबीआई को मेंटेन करना पड़ता है किसी भी समय जब वो इश्यू करती है करेंसी। तो पहला ऑप्शन है 200 करोड़, दूसरा है 215 करोड़, तीसरा है 115 करोड़, चौथा है 500 करोड़, पांचवा है आपका 1000 करोड़। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, 115 करोड़ आपको मेंटेन करना पड़ेगा किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, सी ऑप्शन। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डायरेक्ट कोटेशन इन इंडिया इन द फॉरेस्ट ट्रांजेक्शन। बोलते हैं इनमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है डायरेक्ट कोटेशन भारत में फॉरेस्ट ट्रांजेक्शन के लिए। पहला है आपको यूएस डॉलर, वन यूएस डॉलर इक्वल टू 0.75 यूरो। फिर 100 रुपीज इक्वल टू 2.10 यूएस डॉलर। वन स्टर्लिंग पाउंड इक्वल टू 79.10 ऑल द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, वन स्टर्लिंग पाउंड इज इक्वल टू 79.10। ये है आपका डायरेक्ट कोटेशन इंडिया में। फिर द रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड एडवांसेस गिवन बाय बैंक विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 आर डिटरमाइंड विद द रेफरेंस। बोलता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है लोन्स में एडवांसेस में जो कि बैंक में दिया जाता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 में, वो डिटरमाइंड किया जाता है किस रेफरेंस से। पहला दिया है बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट से, फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट से, फिर बेस रेट से और बैंक रेट से। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट से, बी ऑप्शन। फिर वाइल रिन्यूइंग द वर्किंग कैपिटल लिमिट्स ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म द लोन ऑफिसर ऑब्जर्व्स दैट द लॉन्ग टर्म यूजेस आर 25% मोर देन लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर दिस विल लेड टू। बोलता है कि जब आप रिन्यू करने जाते हैं वर्किंग कैपिटल का लिमिट किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, जो लोन ऑफिसर होते हैं ऑब्जर्व करता है कि लॉन्ग टर्म यूज हो रहा है इसमें और 25% ज्यादा हो रहा है लॉन्ग टर्म सोर्सेज से, जो भी पिछला साल था, जो पिछले साल से कंपेयर करेंगे, इसके कारण क्या होगा। तो इसके पहला ऑप्शन दिया इंप्रूवमेंट इन द डेप्ट इक्विटी रेशियो, फिर डिटोरेशन, दूसरा ऑप्शन डिटोरेशन इन द डेप्ट इक्विटी रेशियो, तीसरा डिटोरेशन इन करंट रेशियो, चौथा इंप्रूवमेंट इन करंट रेशियो, पांचवा इंप्रूवमेंट इन डेप्ट सर्विस कवरेज रेशियो। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डिटोरेशन इन करंट रेशियो, सी ऑप्शन। नो कोलेटरल सिक्योरिटी टू बी टेकन फॉर लोन अप टू ₹10 लाख इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला एमएससी लोन एंड एग्री क्लिनिक्स एंड एग्रो बिजनेस सेंटर्स। बोलता है कहीं भी कोलेटरल सिक्योरिटी आपको नहीं लेना है वैसा लोन जो कि 10 लाख रुपए तक का होगा, ये किस केस में। तो पहला ऑप्शन एमएससी लोन्स एंड एग्री क्लिनिक्स एंड एग्रो बिजनेस सेंटर, दूसरा एमएससी लोन्स एंड पीएमईजीपी लोन, तीसरा पीएमईजीपी लोन एंड एग्री क्लिनिक्स एंड एग्रो बिजनेस सेंटर, चौथा एमएससी लोन लोन्स टू इंडिविजुअल पर्सन अंडर SGSY एग्री क्लिनिक्स एंड एग्रो बिजनेस सेंटर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा सिक्स का बी, एमएससी लोन्स एंड पीएमईजीपी लोन पे। तो यहाँ पे किसी भी तरह क्वालिटी सिक्योरिटी आपको लेने की जरूरत है आपको 10 लाख रुपीज। फिर बैंक हैज गारंटेड ए लोन ऑफ ₹90 लाख टू एन एमएससी इन अदर देन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड अदर देन वुमेन एंटरप्राइजेज इन द केस द लोन बिकम्स एनपी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गारंटी कवर डेट वुड बी अवेलेबल टू दिस लोन। बोलता है कि कोई बैंक जो है गारंटी दिया है लोन का या ग्रांट किया लोन 90 लाख रुपए का किसी भी एक एमएससी को, और वो अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से और अदर देन वुमेन एंटरप्राइज है अगर, तो इस केस में जो लोन अगर एनपीए हो गया तो क्या अमाउंट ऑफ लोन को गारंटी तौर पर कवर किया जाएगा जो कि अवेलेबल होगा इस लोन के तहत। पहला ऑप्शन है 65 लाख, दूसरा है 62.50 लाख, तीसरा है 60 लाख, चौथा है 57.50 लाख। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 60 लाख,
60 लाख तक का लोन कवर होगा, गारंटीड होगा 90 लाख में, ठीक है, ये पैसा आपको रिकवर हो जाएगा। व्हाट इज द इनकम सीलिंग ऑफ डी आर आई लोन एलिजिबिलिटी, बोलता क्या इनकम सीलिंग होगा डी आर आई लोन एलिजिबिलिटी का। पहला है रुपीज 12,000 फॉर रूरल एरियाज एंड रुपीज 15,000 फॉर अर्बन एरियाज, दूसरा है रुपीज 15,000 फॉर रूरल एरियाज एंड रुपीज 20,000 फॉर अर्बन एरियाज, तीसरा है रुपीज 18,000 फॉर रूरल एरियाज एंड रुपीज 20,000 फॉर अर्बन एरियाज, फिर चौथा है रुपीज 18,000 फॉर रूरल एरियाज एंड रुपीज 24,000 फॉर अर्बन एरियाज। सही ऑप्शन है डी आपका, रुपीज 18,000 फॉर रूरल एरियाज एंड रुपीज 24,000 फॉर अर्बन एरियाज। फिर वेयर ए बैंक इज हैविंग अनरिकॉन्साइल्ड इंटर ब्रांच इंट्रीज ओल्ड देन डैश इट हैज टू मेक ए प्रोविजन एट डैश, पहला ऑप्शन है 6 मंथ 100%, दूसरा है 6 मंथ 75%, तीसरा 12 मंथ 100%, चौथा है 18 मंथ 100%, पांचवा है नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड इंट्रीज बिंग इंट्रा बैंक। तो बोलता है कि अगर कोई बैंक है जहां अनरिकॉन्साइल्ड इंटर ब्रांच इंट्रीज हुआ जो कि पुराना है जितना कि प्रोविजन किया जा गया है, तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है 6 मंथ 100%, फिर दूसरा 6 मंथ 75%, तीसरा 12 मंथ 100%, चौथा 18 मंथ 100%, ई ऑप्शन है नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड इंट्रीज बिंग इंट्रा बैंक। तो इस केस में हो जाएगा ए ऑप्शन 6 मंथ 100%। A doubtful NPA account is purchased by a bank B from bank A. What classification would be given by the bank B to this account? बोलते हैं कि doubtful NPA account है जो कि purchase किया bank B bank A से, तो किस तरह का इसको account को classification करेगी bank B? पहला option है कि to be treated as a substandard account, दूसरा है to be treated as a doubtful up to 12 months category irrespective of its classification with bank A. तीसरा ऑप्शन है टू बी ट्रीटेड इन द सेम कैटेगरी इन विच इट हैज बीन क्लासिफाइड बाय बैंक ए, डी है टू बी ट्रीटेड स्टैंडर्ड अकाउंट फॉर इनिशियल पीरियड ऑफ 90 डेज, ठीक है, फिर ई ऑप्शन है टू बी ट्रीटेड स्टैंडर्ड अकाउंट फॉर 12 मंथ्स। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी कि इनिशियली जो 90 दिन तक का पीरियड होगा इसको स्टैंडर्ड अकाउंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे एक मेगा ऑफर है जो कि वैलिड 21 अक्टूबर 2018 तक, हम आपको यहाँ पे जेवीर सेवी की कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप प्रिपेयर कर सकें। यहाँ पे आपको ऑनलाइन लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा ताकि आप उसकी हेल्प से सारा का सारा वीडियो लेक्चर कोर्स कर सकें। यहाँ पे आपको पूरा पूरा वीडियो लेक्चर कोर्स मिलेगा, केस स्टडी का वीडियो मिलेगा, 2000 का क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्योंकि विजन नोट रहेगा और मॉक टेस्ट रहेगा। और कोई भी सिंगल जेवी सेवी या फिर बैंक प्रमोशनल पेपर खरीदते हैं जिसका दाम है 2000 रुपये, ऑफर प्राइस में एक चीज 600 रुपये का रहेगा। अगर आप जेबी का कॉमो पेपर खरीदते हैं जिन्हें पेपर एक साथ खरीदते हैं जिसका दाम है 4,500 रुपये, ऑफर प्राइस 1,500 रुपये रहेगा। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर खरीदते हैं एबीएम प्लस बीएफएम जिसका दाम 3,500 रुपये, ऑफर प्राइस में 1,100 रुपये है। अगर आप सीआईबी का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग खरीदते हैं दाम है 4,500 रुपये, ऑफर प्राइस 1,500 रुपये है। 10 मॉक टेस्ट खरीदने जाते हैं कोई भी पेपर का दाम है 199 रुपीज़ और कॉमो पे के मॉक टेस्ट का 399 रुपीज़। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो गया 4x9685127, दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो गया www.jbcbstudymetal.com, ईमेल आईडी 8 से 9 3@gmail.com।